सुनील जी आज हमसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस बारे में कि देवी अहिल्या के लोक कल्याण के कई किस तरह के कार्य उन्होंने किए इंदौर और इंदौर के आसपास के एरिया में और भारतवर्ष में। तो सुनील जी है यहाँ, मुझे मैं 1 मिनट। हाँ आवाज आ जी रही है? मेरी हाँ जी हाँ जी आवाज आ सुनील रही जी हाँ जी बताइए। आप जब भी कहेंगे मैं आपका वो इमेज प्रोजेक्ट कर दूंगी, स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी। है? तो हाँ, मैं आपको नॉक करता हूँ। जी। नमस्कार। मातोश्री अहिल्या देवी होलकर भारतीय इतिहास की अद्वितीय व्यक्ति रही। मध्यकालीन भारत के इतिहास को यदि हम देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज और मातुश्री अहिल्या देवी, इन दोनों राज्यकर्ताओं ने अपनी कार्य कुशलता, राजनीति, कूटनीति और धार्मिक और सामाजिक कार्य, न्यायप्रियता, न्याय व्यवस्था और कुशल प्रशासनिक क्षमता से अपनी अमिट छवि तैयार की। जिस प्रकार उपजाऊ भूमि में से अनाज रूपी मोती को कि फसल को तैयार करने के लिए एक कृषक मशक्कत करता है, ठीक उसी प्रकार बाल्यावस्था से ही मानकोजी शिंदे और अहिल्याबाई की मातुश्री सुशीलाबाई ने उन्हें शिक्षा दीक्षा के संस्कार दिए और यही संस्कार बढ़ती उम्र में आगे व्यक्तित्व का विकास के लिए उनको संवारने के लिए उसका आधार बना। बाल्यावस्था में ही धार्मिक संस्कारों की शिक्षा देकर अहिल्या की विलक्षण प्रतिभा को तराशा उनके माता सुशीलाबाई और पिताजी मानकोजी शिंदे ने, और उसी प्रकार उनके श्वशुर जी मल्हारराव, सूबेदार मल्हारराव जी होलकर ने उन्हें युद्ध विद्या और प्रशासनिक शिक्षा और यहाँ तक कि गोला बारूद बनाने के कार्य में भी उन्हें निपुण किया और बाद में जाकर युद्ध में रसद पहुंचाने के कार्य भी मातुश्री अहिल्या देवी ने बड़े कुशलता पूर्वक किए। अहिल्या देवी अपनी प्रतिभा और न्यायप्रियता के बल पर कुशल प्रशासक, कठोर निर्णय और जनहित के लोकोपयोगी कार्यों के लिए जानी जाती है। इन्हीं कार्यों की वजह से आज मातुश्री को पुण्य श्लोक, प्रातः स्मरणीय, प्रजाहितकारिणी, लोकमाता, राजयोगिनी जैसे आदरार्थी शब्दों से सम्मानित किया जाता है। अहिल्या देवी ने सारे धार्मिक कार्य अपने खाजगी कोष में से किए। किसी भी प्रकार की राजकीय मदद उन्होंने अपने धर्म कार्य के लिए ली ही नहीं। उन्होंने कह सकते हैं कि उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र प्रबंध में उन्होंने जो व्याख्या लिखी है कि प्रजा का सुख और प्रजा का हित ही राजा का सुख और राजा के हित में समाहित होता है। वहीं विदेशी अर्थशास्त्री भी कहते हैं कि मानव जीवन को सुखी करने के लिए ही राज्य की निर्मिति की। यही धारणा मातुश्री अहिल्या ने अपने राज्य में पर्यावरण और लोकहितकारी कार्यों के लिए अपनाई और अपनी खाजगी कोष में से ही सारे मानव कल्याण के कार्य किए। भारत के इतिहास में केवल होलकर साम्राज्य में ही व्यक्तिगत खाजगी के रूप में जानी जाती। पहले हम यह जान ले कि खाजगी यह क्या है। हुआ ऐसा था कि मल्हारराव, सूबेदार मल्हारराव होलकर सतत युद्ध मुहिम में रहते थे, लेकिन युद्ध मुहिम में रहने की वजह से 6-6 महीने, 8-8 महीने घर से बाहर रहने के बाद में एक दिन मल्हारराव होलकर की पत्नी गौतमाबाई मां साहब ने शाहू जी महाराज को शिकायत की कि स्वामी हमेशा युद्ध क्षेत्र में बाहर रहते हैं, मुहिम में रहते हैं, इसलिए घर का खर्च चलाना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में मैंने मेरे पिताजी से कर्ज लेकर घर होलकर परिवार का मैं पालन पोषण कर रही हूं, मैं ऐसा कब तक करती रहूंगी। तो शाहू जी महाराज ने बहुत विचार करने के बाद में उन्होंने पाया कि मराठा इतिहास में पहली खासगी
छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी पत्नी सईबाई साहब के नाम से की थी। ठीक उसी खासगी के अनुरूप छत्रपति शाहू महाराज ने बाजीराव को आदेश देकर होलकर राज्य की प्रमुख स्त्री गौतमाबाई मां साहब को खासगी की जागीर की सनद जारी की। 20 जनवरी 1734 को यह सनद जारी हुई। 74 गांवों की महसूल की वसूली करने के लिए यह सनद जारी हुई। इन 1734 में इन 74 गांवों का जो महसूल यानी रेवेन्यू जो अर्न किया जाता था उसकी राशि 1734 में थी 2,99,010 रुपये। इन्हीं राशि से गौतमाबाई मां साहब अपने परिवार का खर्च चलाती थी और विविध प्रकार के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम वे आयोजित करती रहती थी। और धीरे धीरे यह कर की राशि बढ़ते बढ़ते जब गौतमाबाई मां साहब का 1761 में निधन हुआ, और यह चूंकि 1761 में गौतमाबाई मां साहब का निधन होने के बाद में यह खासगी जो है देवी अहिल्याबाई होलकर राज्य की प्रमुख स्त्री होने के नाते उनके पास आई। और शर्माणी जी ने जैसे बताया कि इसमें बहुत सारे विवाद हैं, विवादित विषय है कि वह राशि कितनी है। मेरे पास अधिकृत पत्र हैं, मेरे पिताजी डॉक्टर गणेश मतकर ने संग्रहित करके रखे हैं पुस्तकों के माध्यम से, उनमें पत्र हैं, अधिकांश साहित्य मराठी में है। तो उसमें पत्र है कि जब मातोश्री अहिल्या देवी को यह खासगी ट्रांसफर की गई तो उसकी राशि 16 करोड़ रुपए राशि थी। तो यही 16 करोड़ रुपए 1761 की 16 करोड़ रुपए की राशि से ही मां साहब ने खासगी की राशि से ही सारे लोक कल्याणकारी कार्य किए। अब लोक कल्याणकारी कार्य मतलब सारे कार्य अधिकतर खासगी से किए हुए कार्य जो है धार्मिक कार्यों में खासगी का खर्च किया गया, लेकिन उसके साथ में दौलत का खजाना भी था। केवल होलकर राज्य पूरे भारत में केवल होलकर राज्य ही एक ऐसा राज्य था जहां पर दो खजाने हुआ करते थे। एक खासगी का खजाना जिसे होलकर राज्य की प्रमुख स्त्री उसकी मुखिया होती थी, और एक दौलत का खजाना जो प्रशासनिक कार्यों के लिए खर्च किया जाता था। वह सारा सैन्य खर्च और प्रशासन के खर्च के लिए जो किया जाता था वह दौलत खजाना, जिसे हम आज के रूप में हम सरकारी खजाना या सरकारी ट्रेजरी कह सकते हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर खासगी के साथ साथ लोक कल्याणकारी कार्य भी करने में मां साहब बहुत पारंगत रही, क्योंकि मल्हारराव होलकर और उनके माता पिता की सीख ही ऐसी थी कि लोक कल्याणकारी कार्यों में उन्होंने सबसे पहले विधवा दत्तक विधान चालू किया। विधवा दत्तक विधान यानी वह काल एक ऐसा था कि यदि असमय किसी महिला की निपुत्रिक अवस्था में उसके पति का निधन हो जाता है तो उसकी सारी दौलत जो है राजसात कर ली जाती। कई शिकायतें मातुश्री के पास पहुंचने के बाद उन्होंने इस प्रकार का एक कानून बनाया कि किसी भी महिला की दौलत जो है राजसात नहीं की जाएगी, और उसे उसके परिवार के ही किसी सदस्य को उसकी अपनी मंशा के अनुसार दत्तक लेने का पूर्ण अधिकार रहेगा। तो यह एक दत्तक विधान का कार्य उन्होंने 1763 में चालू किया। यह एक लोक कल्याणकारी कार्य का, और विशेषकर से विधवा होने के पश्चात में महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उन्हें उन अत्याचारों को रोकने के लिए यह बहुत सहायक कानून वहां बना। साथ ही उन्होंने उद्योग धंधों के बातों से अगर देखें तो निजाम हैदराबाद के निजाम के अत्याचार से पीड़ित होकर कुछ मुस्लिम महिलाएं महेश्वर पहुंची और उन्होंने मातुश्री को एक बहुत सुंदर वस्त्र भेंट किया। उन्होंने उस भेंट को स्वीकार करते हुए अपनी बेटी मुक्ता को दिया और मुक्ता से कहा कि बेटा इन्हें उद्योग लगाने के लिए महेश्वर में जगह दी जाए। अब देखिए एक आज के समय में यदि किसी भी वस्तु का कोई एक बड़ा ब्रांड हमको तैयार करना है तो करीब करीब 250 करोड़ रुपए हमें पूरे भारत में या पूरे विश्व में
उसका प्रचार करने के लिए करीब करीब 250 करोड़ रुपए वहां खर्च करना पड़ते हैं। लेकिन मातुश्री अहिल्या देवी का सिर्फ एक ही कार्य ऐसा रहा कि उन्होंने हैदराबाद से आए हुए बुनकरों को उनके निवास की व्यवस्था की, उनके शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की, उनके परिवार के को पालन के पालने के लिए सारी व्यवस्थाएं की। इसी व्यवस्था के स्वरूप उन्होंने जो माहेश्वरी उन्होंने जो साड़ी बनाई, उस साड़ी का नाम मातुश्री ने नाम दिया माहेश्वरी साड़ी। आप देखिए, महिलाओं में आज भी उतनी ही लोकप्रिय है जितनी 1764 में यह माहेश्वरी साड़ी लोकप्रिय थी। मतलब आप ये देखिए कि सिर्फ मातुश्री के कार्यों को देखते हुए एक माहेश्वरी साड़ी का ब्रांड करीब 250 साल से प्रचलित चला रहा है, जिसकी कहीं कोई भी विज्ञापन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हर महिला के को यह सुनने को मिलेगा कि उसे माहेश्वरी साड़ी बहुत पसंद है। तो इस प्रकार के कार्य वे सतत करती आ रही है। हिसाब किताब में दक्षता रखते हुए उन्होंने अपने प्रशासन को यह सख्त ताकीद दी थी कि यदि प्रशासन ने मेरे ऊपर रेवेन्यू की एक कौड़ी भी बकाया निकाली तो मैं उसे अपने को दंडित समझते हुए उस एक कोड़ी बकाया राशि के एवज में मैं 5 कोड़ी रेवेन्यू अपने सरकारी दौलत खजाने में जमा करूंगी। तो यह एक ऐसे इतने ही एक ऐसे उदाहरण है कि मातुश्री अहिल्या देवी ने ये सारे हमारे सामने प्रस्तुत किए। मातुश्री अहिल्या देवी के लोक कल्याणकारी कार्यों के साथ में ही सैन्य शक्ति के लिए भी उन्होंने आधुनिक शस्त्र और के कारखाने इंदौर में बनाए। इंदौर में एक जहां कारखाना बनाया जाता था, उस क्षेत्र का नाम आज भी तोपखाना के नाम से जाना जाता है। वहां पर मातुश्री ने तोपे ढालने का कार्य प्रारंभ किया था और स्वयं वे तोप के गोला बारूद बनाने के कार्य में बहुत ही पारंगत थी। इस बाबत उनके पति से उनके कई बार विवाद होते रहे कि तुम युद्ध में तो जाती नहीं हो, लेकिन युद्ध की सामग्री क्यों तैयार करती। वो कहती है कि मैं युद्ध में जाने के लिए डरती हूँ। क्यों एक सैनिक दूसरे सैनिक के अपने सेनापति के कहने पर सामने वाले के दूसरे सैनिक के ऊपर आक्रमण करके उसकी जीव हत्या करता है, यह अच्छा नहीं लगता। लेकिन प्रशासन को चलाने के लिए, अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए, अपना वर्चस्व बताने के लिए ये तत्कालीन व्यवस्था थी, तो उस व्यवस्था के तहत भी उन्होंने सारी सामग्री तैयार कर ली थी। और इसी श्रृंखला में उन्होंने, जब अंग्रेज भारत में प्रवेश कर चुके थे 1757 में, तो 1764 में मातुश्री ने कर्नल बायड को, जो अमेरिकन सेना पर नायक था, कर्नल बायड को हायर करके होलकरों की मराठा सेना को आधुनिक शस्त्र शास्त्र में पारंगत करने के लिए उन्हें अपने अपनी शर्तों पर उन्हें अपने नौकरी दी। सिर्फ ये कहा गया कि सिर्फ आप मेरे सैनिकों को बंदूक चलाना और बंदूक निर्माण करने का काम आप सिखाएंगे, बाकी सारे काम, बंदूक बनाना, बंदूक की गोलियां बनाना, बुलेट्स बनाना, ये सारे काम जो है ये मैं करूंगी, इसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो इस प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्यों के साथ साथ उन्होंने अपनी खासगी से बहुत सारे मंदिर बनवाए, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। यहां तक कि आज के समय में जो क्षेत्र पाकिस्तान में आता है, अटक, अटक के क्षेत्र में भी उन्होंने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के प्रमाण आज हमें प्राप्त होते हैं। मेरे पिताजी ने ये सारे प्रमाण एकत्रित किए हुए हैं, बड़ी मशक्कत से उन्होंने ये सारी किताबें एकत्रित की हुई है और मैं इनका अध्ययन करते रहता हूं। मैं एक इतिहास का अभ्यासक हूँ, मेरा विषय इतिहास नहीं है, लेकिन इतिहास का अभ्यासक होने के नाते मैं ऐसे सारे विषय व्याख्यान के जरिए, नाटकों के जरिए जनसामान्य तक पहुंचाने का कार्य करते रहता हूं। उसी श्रृंखला में बेलू जी और आदरणीय सुमन दीदी ने मुझे कहा कि आप इसमें शामिल होइए, तो मैंने सहर्ष अपनी स्वीकृति दी इसमें, क्योंकि मातुश्री के किए हुए कार्यों को मेरी भी मंशा है कि लोग अच्छी तरह से जाने, क्योंकि 250 वर्ष हो चुके हैं आज, अब हम 300वीं उनकी शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं,
इस शताब्दी 300वें महोत्सव में इंदौर में आज भी उन्हें मातुश्री के रूप में पूजा जाता है। यहां तक कि उनके पुण्यतिथि पर और जन्मतिथि पर जो पालकी यात्राएं निकलती है, जिस पालकी में मातुश्री की प्रतिमा रखी हुई होती है, इंदौर के नागरिक इतने भाविक हैं, इतने भावुक हैं और मातुश्री के प्रति इतनी श्रद्धा रखने वाले भाविक हैं कि उस पालकी यात्रा का गुलाल सिर्फ ये लेकर अपने मस्तक पर लगाते हैं कि मातुश्री मेरा ये काम हो जाने दीजिए, ये काम होने के बाद में मैं मेरे परिवार के सहित आपकी पालकी के नीचे से अगले पुण्यतिथि पे या अगली जन्मदिवस पर आपकी पालकी के नीचे से मैं अपने परिवार को निकालूंगी और आपको दंडवत करते हुए यहाँ राजवाड़े पर आऊंगी। तो ऐसी एक श्रद्धा जो लोगों में बनी हुई है, तो इसमें भी बहुत सारी किंवदंतियां जोड़ के रखी है। तात्कालीन किंवदंतियां भी है कि उन्होंने अपने पुत्र को हाथी के पैरों तले कुचलवा के मरवा दिया, उन्होंने अपने पुत्र को गाय के बछड़े को मारने के आरोप में दंडित किया। ऐसी बहुत सारी किंवदंतियां हैं। ये सारी किंवदंतियों को जो इतिहास में मेरे पिताजी ने जो संशोधन करके इन किंवदंतियों को पुरजोर रूप से नकारा है, ऐसी सारी किंवदंतियां जनसामान्य तक पहुंचना चाहिए, उनके संशोधित रूप जनसामान्य तक पहुंचना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोगों को अंग्रेजों ने केवल मुगल साहित्य ही पढ़ाया, मुगल इतिहास ही पढ़ाया। हमारे मराठों का, हमारे राजपूतों का, पंजाब का, कितने ही शूरवीर हो गए जिनके कार्यों का आज कोई मोल नहीं है, लेकिन वह इतिहास सारा दबा दिया गया, पता नहीं क्यों। वो खैर एक विषयांतर का विषय दूसरा होगा। मैं बता रहा था कि मातुश्री ने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। मंदिरों का जीर्णोद्धार करने से क्या हुआ कि मंदिरों में नृत्य होने लगे, गायन होने लगा, वादन होने लगा, शिल्पकला, वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला करने वाले कलाकारों को इससे रोजगार मिले। परिवार का भरण पोषण करना उन लोगों को सहज हो गया। परकीय आक्रमणों से सनातनी मंदिरों का जीर्णोद्धार जो उन्होंने किया, उससे उन्हें कारीगरों को, मजदूरों को, निर्माण सामग्री तैयार करने वाले उद्योगों को बढ़ावा मिला। मंदिरों को केवल देवी देवताओं का निवास है ऐसा नहीं माना गया, यह माना गया मंदिर, हमारे सनातनी मंदिर एक सामाजिक धार्मिक एकता के प्रतीक होते हैं। मंदिरों के निर्माण और उनके जीर्णोद्धार से तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण हुआ, तीर्थ क्षेत्रों से शहरों का विकास हुआ, शहर के विकास से नदियों के तट पर घाटों का निर्माण हुआ, कुएं, बावड़ियां और तीर्थ क्षेत्र अलग अलग बनाए जाने लगे। जब तीर्थ क्षेत्र विस्तृत रूप में आ गए तो इन सारे तीर्थ क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर जत्राएं होने लगी। जत्रा और मेले एक उस समय का एक ऐसा विशेष आयोजन रहा करता था जहां पर हर धर्म के नागरिक जत्रा में शामिल होकर अपने व्यापार को प्रमोट करने के लिए जाया करते थे। तो इस तरह से जत्रा और मेले लगा, तीर्थ क्षेत्रों में जत्रा और मेले लगाकर व्यापार को प्रमोट करने का कार्य भी किया गया। जब हम जत्रा में और मेलों में जाएंगे तो हमें मार्ग भी सुलभ होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सड़कों का भी निर्माण किया गया। उनकी दूरदृष्टि का प्रतीक आप देखिए कि गया से लेकर रामेश्वर तक जो सड़क मार्ग मातुश्री अहिल्या देवी ने अपने कार्यकाल में बनाया, जिसे आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, वह उसकी परिकल्पना मातुश्री अहिल्या देवी ने की हुई है और यह सारे कार्य उन्होंने अपनी खासगी से किए हुए। जत्रा के स्थान पर इस प्रकार से व्यापार होने लगे, शहर की प्रजा आर्थिक रूप से संपन्न होने लगी। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि त्योहारों पर तीर्थ स्थलों की जत्रा से प्रजा सभी सर्वधर्म को मानने लगी और सर्वधर्म संभाव के रूप में मातुश्री ने राष्ट्रीय एकता का जो कार्य किया है वह एक अपने आप में अनोखा उदाहरण है। इस प्रकार उन्होंने राष्ट्र की निर्मिति 12 ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरी, चारों धाम, इन सारे तीर्थों पर मातुश्री ने महेश्वर में अपनी राजधानी में रहते हुए केवल और केवल आदेश देकर अपने कारभारियों को, अपने कमाविसदारों को भेजकर
सारे मंदिरों का, घाटों का निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया। हम लोग, मेरे साथ में रूही नाइक है और रूपाली दुबे है। हम लोग अभी थोड़ी ही देर में एक थोड़ा सा प्रजाहितकारिणी नाटक के दो प्रवेश हम अभिवाचन भी करेंगे, तो उसमें से आपको समझ में आएगा कि किस हिसाब से मातुश्री अपने प्रशासन का कार्य वे किया करती थी। मंदिरों के निर्माण का, जीर्णोद्धार की सुनील सुनील अनुमति जी, प्राप्त। जी जी सुनील जी, जी मैं जरा सा आपको इंटरप्ट करूंगी। जी जी एक्चुअली अभी 5:45 हो चुके हैं, तो जी अगर आप जी अभिवाचन की तरफ अभी सीधा जाएं तो ज्यादा बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल, वही पूछ क्योंकि रहा, वही मैं पूछ रहा। चाहती हूँ कि कुछ टाइम रहे हमारे जी जो जी जी ऑडियंस, अगर जी जी उनके कुछ दोनों सर, जी क्वेश्चन जी हो हाँ, कुछ तो नहीं, मैं जो और क्वेश्चन और हाँ क्वेश्चन उनके लिए हाँ होगा। जी, तो थोड़ा मैं सा वही सॉरी पूछ मैं रहा। आपको नहीं बीच नहीं में कोई इंटरप्ट कोई कोई कर। नहीं नहीं कोई 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 दिक्कत नहीं है ना। तो मंदिरों का जीर्णोद्धार करने की उनकी अपनी कूटनीति ऐसी थी कि जैसे घृष्णेश्वर मंदिर का निर्माण करना है, जीर्णोद्धार करना है, अयोध्या में घाट निर्माण करना है, तो वे राखी के त्योहार पर सहज रूप से उस मुगल सेनापति को या उस निजाम को राखी भेजकर अपना भाई मनाती थी। और जब ये मुगल सेनापति और निजाम पूछते थे कि राखी के उपहार के रूप में बहन को क्या चाहिए, तो वे सहज रूप से कहती थी कि मुझे घृष्णेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार की अनुमति दे दीजिए, मुझे अयोध्या में सरयू के तट पर घाट बनाने की अनुमति दे दीजिए। तो इस प्रकार की कूटनीति से यह अहिल्या मातुश्री का कार्य किया जाता था। अभी हम थोड़े ही क्षण में प्रजाहितकारिणी नाटक का अभिवाचन हम करेंगे। रूपाली और रूही मेरे साथ में है, हम अभिवाचन प्रारंभ कर रहे हैं। मातुश्री, शंकर शंभू की प्रिय नगरी काशी की स्थिति आज बहुत ही पीड़ादायक। मुगल हमें पूजन अभिषेक और नित्य पूजन नहीं करने देते। प्राचीन मंदिर भग्नावशेष में, माँ गंगा के तट मलिन हो रहे हैं, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट नष्ट होने की कगार पर है। मातुश्री कुछ कीजिए, मातुश्री आपसे यह विश्वनाथ भट्ट निवेदन करता है। पंडित विश्वनाथ जी, यह तो होना ही था। मुझे याद है, होलकर कुटुंब हमारे विवाह के पश्चात काशी विश्वनाथ के दर्शन हेतु काशी गया था। सासू आई गौतमाबाई माँ साहेब के साथ। सूबेदार दादा साहेब ने मंदिर का जीर्णोद्धार करने का पुरजोर प्रयत्न किया। जी, मातुश्री, हमारे पिताजी ने भी हमें बताया था कि सूबेदार साहब ने मंदिर और घाट के जीर्णोद्धार की सभी तैयारी कर ली थी, लेकिन नवाब सफदरजंग ने संपूर्ण काशी में दहशत फैला दी। हमारे पंडित परिवारों से कहा कि सूबेदार मल्हार राव होलकर तो मंदिर बनवा देंगे, लेकिन उनके यहां से जाने के बाद काशी निवासी पंडितों की खैर नहीं। मैं मंदिरों को पुनः तहस नहस कर दूंगा और तुम पंडितों का जीना हराम कर दूंगा। बस मातुश्री, इस धोस से हमारे पूर्वज घबरा गए और सूबेदार मल्हार राव जी को घाट और मंदिर का जीर्णोद्धार करने से मना कर दिया। हाँ, हमें पूर्ण घटनाक्रम याद है। तब आप लोग काशी में मराठा सेना से सुरक्षा चाहते थे। दादा साहेब ने काशी निवासियों को संगठित कर एक रक्षा दल बनाना चाहा। कितने परिवार एकत्रित हुए वहां। आप सबके परिवार नवाब से डर कर छुप गए। यदि उस समय आप लोग संगठित होकर घाटों और मंदिरों की रक्षा करते तो आज मेरे काशी विश्वनाथ व माँ गंगा की यह दुर्दशा नहीं होती। पंडित जी, ठीक है, जब जागे तभी सवेरा। हमारे दादा साहेब सूबेदार मल्हार राव होलकर ने हमसे तभी कहा था, बेटी अहिल्या, यदि पुनः अवसर मिला तो काशी नगरी का पुनः उद्धार करने अपने कुटुंब कबीले के साथ यहाँ अवश्य आऊंगा। ठीक है पंडित जी, मैं कुछ करती हूँ। ठीक है गोविंद पंत, अभी तत्काल श्री शंकर आदेश जारी करें, पंडित जी को काशी विश्वनाथ के नित्य पूजन के लिए और भोग के लिए 3,000, दशाश्वमेध घाट के लिए 25,000 और मणिकर्णिका घाट के लिए 25,000, वो काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 25,000 की हुंडिया जारी की जाए। गोविंद पंत, वास्तु पूजन संबंधित कार्य सब देखने आप स्वयं काशी जाइए। सारी जवाबदारी हमारी,
खासगी खजाने में से धन सिर्फ इन्हीं कार्यों के लिए खर्च होगा। कार्य बहुत बड़ा है, बहुत से कारीगर लगेंगे, उनके परिवार की सुरक्षा, अन्न पानी की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था के लिए शालाएं भी बनाई जाए, धर्मशालाएं बनाई जाए, कुएं बावड़ियों का निर्माण किया जाए। काम पक्का और मजबूत होना चाहिए। हर इंसान को कार्य दीजिए, कोई भी खाली हाथ नहीं रहना चाहिए। निर्माण के सामान की पहरेदारी के लिए बिल्लों को काम दीजिए। सारे काम गति से होना चाहिए। इसके लिए परमपिता शिव शंकर का अधिष्ठान किया जाए, वैदिक ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाए, उनके मंत्रों से गंगा तट अभिमंत्रित कीजिए। चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरी, काशी, अयोध्या, मथुरा, रामेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर मंदिरों में घंटानाद से गुंजायमान होना चाहिए। मुकुंद राव, गोविंद पंत, कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए। हाँ साहेब, आज बहुत समय बाद आप उत्साह से बोल रही हो। यह निर्माण का क्षण है। लड़ाई, रक्तपात, दंगे, लूटपाट, इन सभी से किसी को अर्थोपार्जन तो होता होगा, लेकिन शांति नहीं मिलती। तो यह तो था एक निर्माण कार्य मातुश्री ने किस ढंग से प्रारंभ किया और किस ढंग से हुंडिया भेजकर अपना कार्य किया। अब एक छोटा सा प्रसंग कि मातुश्री अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से महेश्वर के अपने निवास से घाट के ऊपर जाकर माँ नर्मदा से आपस में बात करती है। देखिए वो प्रसंग, माँ नर्मदा और मातुश्री अहिल्या देवी आपस में बात करते हुए। महेश्वर के तट से मैं नर्मदा बोल रही हूँ। सत्ता और सामर्थ्य के बल पर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसका जवाब मुझे ईश्वर को देना ही होगा। यह सब कुछ मेरा नहीं है, तेरा तुझको अर्पण करती हूँ। अहिल्या हमेशा यही कहती रही। महेश्वर में 22 और पूरे हिंदुस्तान में नदियों पर 14 घाटों का निर्माण करवाया, धर्मशालाएं, अन्न क्षेत्र, गो माता के लिए, पशुओं के लिए चरणोई भूमि, कुएं बावड़ियों का निर्माण करवाया, और माँ नर्मदा के जल में पल रहे जलचरों से, मछलियों से अहिल्या का बड़ा ही स्नेह था। वह मछलियों को राम और मौसी कहकर पुकारती थी, उन्हें नित्य भोजन कराती थी। ऐसी मेरी अहिल्या ने होलकर राजवंश की कीर्ति को सुशोभित किया, लेकिन लेकिन अब उसका शरीर यह सब करते करते थक चुका था। और पवित्र श्रावण मास में मेरी प्रिय अहिल्या मुझसे अंतर मन की बातें कहते कहते इहलोक में समाहित हो गई। मुझे मुझे मां नर्मदा के चरण स्पर्श करना है। काशीबाई, चलो महेश्वर घाट पर मां नर्मदा से भेंट करना है। यहाँ आओ, आओ मुक्ते। अरे मुक्ते, तुम क्यों सती गई? आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अब तो आंखों के अश्रु भी सारे दुख सह सह कर सूख गए हैं। बारिश के अश्रु में ही अब मुझे भीगने दो। आई आई रेवा, माँ नर्मदा आपका शीतल जल कैसी शांति दे रहा है। माँ, इस घाट का पवित्र जल मुझे हर पल महसूस होता रहे। मेरे कदमों के निशान इस घाट पर अमिट रहे। माँ नर्मदा, अब मेरे अश्रु सूख गए हैं, आंखें पथरा रही है। मेरे शंभु महादेव को आपके पवित्र जल से सदा अभिषेक होता रहे। माँ बेटी अहिल्या, धीरज रखो, तूने तो प्रजा कल्याण का नया मार्ग प्रशस्त किया है। अहिल्या, तेरी कीर्ति सदा अमर रहेगी। हाय रेवा, मैं रहूं ना रहूं, आपके पवित्र जल से सूर्य देव की केसरी आभा का सदा अर्घ्य मिलता रहे। मेरे महेश्वर की, इंदौर की, मालवा की प्यास, किसानों की भूमि आपके जल से सिंचित होती रहे। मेरी आंखें चाहे हमेशा के लिए बंद हो जाए, आपकी अलौकिक छवि सदा आंखों में बसी रहे। मेरे बाद मेरा होलकर कुल आपकी सेवा में सदा रत रहेगा। आपका वरद हस्त मेरी प्रजा पर सदा रहे। बेटी अहिल्या, मैं तो सदा तेरे तट के निवासियों की प्यास बुझाती रहूंगी, किंतु
किसानों की भूमि को सिंचित कर फसलों को लहराती देखती रहूंगी। लेकिन मालवा की प्रजा का भी तो कर्तव्य है, वे मुझे प्रदूषित नहीं करें। मेरे तटों पर बड़े बड़े उद्योग लगाए, पर उन उद्योगों के अपशिष्ट से मेरी जलराशि को प्रदूषित होने से बचाए रखे। मेरी जलराशि में सहयोगी मेरी छोटी छोटी नदी रूपी बहनों के जल के अप्रवाह को अवरुद्ध नहीं करे। और बेटी, तुम तो प्रजा हितकारिणी अहिल्या हो, तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा, तुम्हारे किए हुए कार्य सदियों तक अखंडित रहेंगे। तुमने अपने दुखों के आगे प्रजा के सुख समृद्धि में कभी कोताही नहीं बरती। जाओ, थोड़ा विश्राम करो। तुम धर्म तीर्थों के जीर्णोद्धार और प्रजा कल्याण की प्रेरणा सदा बनी रहोगी। यही भोली प्रजा तुम्हें बहुत प्रिय है ना? हाँ माते, मेरी मालवा की इंदूर की प्रजा बहुत भोली है। मैंने प्राणपण से आपकी जलराशि को अपवित्र होने से, प्रदूषित होने से बचाने के उपाय कर रखे हैं। आपका कल कल करता जल प्रवाह सदा बाधित रहे। आज आज मेरी श्यामा हमरा नहीं रही। मेरे करोड़ों रुपए की दौलत और खासगी के धन से हमने देश भर में नदियों पर घाट, धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ियां बनवाई। तीर्थ क्षेत्रों में मेले लगाकर छोटे छोटे व्यापारियों को रोजगार दिया। भील किसानों के कृषि उत्पादनों को बढ़ाया। चोर डाकुओं, भीलों, पिंडारियों में खुद की कमाई का बीज रोपा, उसमें विश्वास जगाया, हृदय परिवर्तन कराने का प्रयास किया। कलाकारों, वास्तुकारों को स्थापित्य कला के लिए प्रोत्साहित किया। मुगल शासकों ने ध्वस्त किए मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। राष्ट्र की संस्कृति के रक्षक के रूप में जो बन सका प्रयत्न करती रही हूँ। अब मैं थक चुकी हूँ, अब आपके चरणों में मुझे स्थान दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः जाओ शिवाय। जाओ प्रजा हितकारिणी अहिल्या बेटी, स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। अहिल्या, तुम पुनः जन्म लोगी। तुम आज से संपूर्ण विश्व में मातुश्री, देवी, प्रातः स्मरणीय लोक माता, अष्टावधानी, राजयोगिनी, प्रजा हितकारिणी अहिल्या के रूप में याद की जाओगी। सदा पूजनीय रहोगी। अहिल्या, तुम पुनः जन्म लोगी इसी भारत की धरा पर, और पुनः हिंदू तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार करोगी। तुम्हारा इतिहास पुनः दोहराया जाएगा। तुम देवी थी, अन्नपूर्णा थी, जन जन की सुखदाता। तुम करुणा थी, अन्नपूर्णा थी, तुम सचमुच भारत माता। तो यह था एक छोटा सा नाट्य अभिवाचन। हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं। आगे बेलू जी जो भी प्रश्न उत्तर है, वो वैसे तो समय करीब करीब होने जा रहा है, फिर भी आप बताएं। नहीं, पहले तो मैं बस बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी आप सबका, आप तीनों का। इतना सुंदर एक प्रस्तुति दी, बहुत ही दिल को छू गई। जी कमेंट्स हैं दो तीन, जिसमें बहुत बहुत धन्यवाद कहा गया है डॉक्टर यज्ञ दत्ता गोस्वामी जी का, इंद्रजीत गोस्वामी घोष जी, जी हाँ, का, दिल्ली दिल्ली से मेरे और मित्र हैं। कोई और भी हैं जिनका नाम नहीं है, वन प्लस फोन से हैं। और मैं शायद पहले कुछ बताना भूल गई थी, मतलब गलत मैंने नाम पढ़ लिया था। जो पहले एक कमेंट था माधवी जी आपके लिए, वो हमारे एक और मित्र हैं, श्रीविंदो सोसाइटी से ही जुड़े हैं, जोशी मठ से, अपने चरण सिंह जी, उन्होंने आपके लिए भेजा था। मैंने शायद रवि जी सोचा कि वो रवि जी ने भेजा है, तो बस शब्द है नहीं कुछ और कहने के। आपने सच में बिल्कुल सही पैसेजेस आपने ढूंढे हैं उनके इस कार्य को हमारे सामने रखने के लिए। तो मैं जस्ट थोड़ा सा, अगर किसी के पास कोई क्विक क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हम हमारे पास हैं अभी तीन बिलू जी, चार मिनट। कोई मनीष सिंह जी हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। मनीष सिंह अरिचेतना, वो कुछ बोलना चाहते हैं, वो ओके, मैसेज भी लिखे हैं। अभी हाँ, मनीष सिंह जी, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए और अपना बात रखिए प्लीज।
उसको। मनीष सिंह जी, हरी चेतना, मनीष सिंह हरिजामा, कहिए कहिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, जी, कहिए। आप अपने कैमरा ऑन कीजिए, हम लोग आपको देख नहीं पा रहे। हाँ, मेरे यहाँ की लाइट अभी है नहीं, तो अच्छा मैं अच्छा मोबाइल से अटैच हूँ, तो मैं जी सभी बिल्कुल आपको नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ठीक दादाजी के साथ मैं शुरू से बचपन से जुड़ा रहा हूँ अरविंद सोसाइटी में, और सुनील जी बैठे हैं, इनके आदरणीय पिताजी गणेश मटकर जी के साथ हमको जुड़ने और माँ इल्ला के ऊपर कुछ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो 300वीं वर्ष की जयंती का इनका जो कार्यक्रम किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, आज भले इल्ला माता हमारे साथ देह रूप में नहीं है, पर आज भी वो उतनी प्रबलता से हमारे बीच में है, इस चीज को हमने महसूस किया है। 31 मई 2007 को ने डॉक्टर गणेश मटकर जी, हुकुमचंद जी सांवला विश्व हिंदू परिषद के, हमको कुछ लोगों को कंपेल जहाँ माँ अहिल्या देवी बाल काल में शादी होकर के शादी आई होकर थी। शादी होकर हाँ, तो वहाँ हमने जन्म जयंती का कार्यक्रम रखा था। उस कार्यक्रम के समापन के बाद हम लौटे थे, जो देवगुराड़िया बाईपास के यहाँ पर है, वो दक्षिण मुखी प्राकृतिक शिवालय है मध्य भारत का, उसको महाकाल स्वरूप ही माना जाता है। उस दिन माँ अहिल्या की कुछ और इच्छा थी कि हम लोग वहाँ जन्म जयंती कार्यक्रम करके लौटे। हमने वहाँ तत्कालीन समस्या आया थी कि देवगुराड़ा की जो प्राकृतिक शिवालय है, अहिल्या माता के समय में 5 दिन का वहाँ बहुत बड़ा महाशिवरात्रि का आयोजन होता था। उस दिन हमने चर्चा डॉक्टर गणेश मटकर के साथ में हुकुमचंद जी सांवला के सामने समस्या रखी कि वहां पर जानवरों को काटने का स्लॉटर हाउस, वधशाला स्थापित शासन की ओर से प्रस्तावित थी। यह समस्या हमने जैसे रखी, अहिल्या माता की इच्छा थी हमसे वो काम के लिए, हमें भी सुना उन्होंने कि हमको बाद में महसूस हुआ, ये जून महीना चल रहा है 2024 का, हमें परिणाम दिखा कि 31 मई को हमने चर्चा करी। हुकुमचंद जी सांवला ने सीएम साहब 8 दिन के अंदर आए, सत्संग गुरु के माध्यम से ये फाइल उनके सामने रखी गई और जन भावनाओं को देखते हुए प्राकृतिक शिवालय से वधशाला हटाई गई। यह कार्य के लिए अहिल्या माता ने हम 3-4 लोगों को चुना, ये हमको बहुत बाद में समझ में आया। ये चीज प्रत्यक्ष उदाहरण है 2007 का। और आमतौर पर प्रशासनिक कॉरेस्पॉन्डेंस जो पत्राचार होता है कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त के, उसके कुछ अंश पहली बार उनके जो आपस में हुए इस वशाला को हटाने को लेकर के, वो समय के तत्कालीन नई दुनिया पेपर में छपे थे। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, जो कि गोपनीय रहती है, लेकिन अहिल्या माता की कुछ इच्छा थी, एक ये बात में बताना चाहता था। दूसरा, शर्वाणी जी के हमने जानकारी सुनी कि वो बहुत अच्छे रिसर्च करती हैं, तो केवड़ेश्वर महाकाल कर रहे हैं वो। डूमिल देवगिरडिया, ये दोनों अहिल्या माता ने कम्पेल रहवास के दौरान शुरू में ही उसका जीर्णोद्धार कराया था। भारत के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने जो काम किया है वो तो अपने आप में अद्भुत है ही। दूसरा, ये चीज मैं जा रहा था कि हेरिटेज वॉक में कम्पेल और इन चीजों को भी जोड़ा जाए, ये आज बहुत उपेक्षित स्थान है। मैंने सुनील भाई साहब से बीच में चर्चा करी थी, जब अहिल्या जयंती के कार्यक्रम की चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बोला इस चीज में अपन बाद में समझेंगे। दूसरा, मैं आप लोगों के पास बहुत उपयोगी पुस्तकें हैं, साहित्य है। एक पुस्तक मैंने किसी ज्ञानी के मुंह से सुना था, अहिल्या संहिता, वो किसी के पास उपलब्ध हो तो हमें पढ़ने का अवसर मिले। उसका एक प्रसंग मैंने ज्ञानी गुरु से सुना, जिसके अनुसार जैसे अभी माँ अहिल्या और माँ नर्मदा के बीच का संवाद आपके नाट्य मंडल की कलाकारों ने बताया, ये वास्तविक घटना बताई जाती है अहिल्या संहिता के अनुसार, कि जब एक बार माँ अहिल्या दैनिक नित्य पूजा क्रम करती थी महेश्वर के घाट पर माँ नर्मदा का, एक साधु महाराज आए, उन्होंने उनकी प्रशंसा करी माँ अहिल्या के धर्म कार्यों की, और उन्होंने अपने पास से निकालकर एक पारस पत्थर उनको दिया। माँ अहिल्या ने माथे से छुआकर माँ नर्मदा में वह तत्काल विसर्जित कर दिया। इस पर वो साधु महाराज क्रोधित हो गए। क्रोधित हो गए तो अहिल्या माता ने उनको समझाकर शांत बुझा करके राज राजेश्वर मंदिर में लेके गई, और वहां पर ले जाकर बिठाकर उन्होंने एक तलवार उठाई, तलवार उठाकर अपने माथे से रगड़कर
उन्होंने वो साधु महाराज के चरणों में रख दी। तो साधु महाराज जी ने अहिल्या माता को पहले इस बात के लिए, वो जिस बात के लिए नाराज रहते कि उन्होंने अपने जीवन भर की तपस्या, वो पारस पत्थर जो दिया है उसका उसका मूल समझे बिना माँ अहिल्या ने उसको नर्मदा जी में मेरे विसर्जित कर दिया। उनको अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने उनके माँ अहिल्या के चरण पकड़ लिए। वो बोले कि मैं आपको समझ नहीं सका, मैं बहुत आपकी ऊपरी ऊपरी चर्चा कर रहा था, पर आप में मैं आप स्वयं जो पारस हो चुकी शिव भक्ति में, मैं उनको पारस का एक टुकड़ा देने की मूर्खता कर बैठा है। ऐसा ऐसा संवाद अहिल्या संहिता ने कहीं लिखा है। वो अहिल्या संहिता हम चाहते हैं कि इस तरह के दुर्लभ पुस्तक के आम जानकारी में आ गए, थोड़े हेरिटेज वॉक में इस तरह के सारे विषयों को कवर किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा शोध का विषय है, भूगोल इतिहास और सारे पौराणिक आख्यानों को जोड़ने का। बस मैं अपनी बात से इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मनीष जी। सो शर्वानी जी, आपके लिए एक और काम है आपके हेरिटेज वॉक के लिए। तो एक क्वेश्चन और है बिल्कुल डॉक्टर यज्ञ दत्ता गोस्वामी जी का, समकालीन भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया गया? मेरा अंदाजा है कि मतलब उनके कार्य से कैसे प्रभावित हुआ समकालीन भारतीय राजनीति। तो कोई भी शर्वानी जी, सुनील जी, जो भी इस प्रश्न को लिखना चाहे, थोड़ा सा 2-3 मिनट में अगर आप कुछ इस पे लाइट डाल सके। शर्वाणी जी आप बोल रही? नहीं, आप अगर बोलना चाहते हैं तो बोल नहीं, लीजिए, उसके बाद अगर मुझे कुछ ऐड करना होगा तो कर आप दूंगी। बोलिए बोलिए। जहां तक समकालीन राजनीति का सवाल है, तो अगर आप उस समय का भारत जो देखेंगे तो मराठों की तो अलग अलग एरिया में मुहिम चली रही थी। 1761 में पानीपत के युद्ध में जो मराठों की पराजय हुई, उसके कारण थोड़ा सा जो मराठों का प्रभुत्व कम हो चुका था उसको वापस मल्हारराव होलकर और बाद में फिर मोहजी सिंधिया ने फिर से नॉर्थ में स्टेब्लिश किया था। लेकिन तब तक एक और चीज जो इंडिया में आ चुकी थी वो थे ब्रिटिश, और ब्रिटिशर्स के कारण जो एक खतरा था जिसको कोई और देख नहीं पा रहा था, और जिसको अहिल्या देवी ने सबसे पहले जो वो किया पहचान लिया, और उसके कारण उन्होंने जो लोगों को सचेत करना शुरू किया। मतलब वैसे क्योंकि देवी अहिल्या को जब ये मिली थी सूबेदारी, एक्चुअली उस अहिल्या बाई के पास एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, और उनके सूबेदार जो मतलब जो तुकोजीराव होलकर थे वो मिलिट्री कमांडर थे, तो एक तरह से पावर का डिवीजन था। लेकिन अहिल्या बाई ने फिर भी जो अपने जो ऑब्जर्वेशंस थे उससे उन सब लोगों को बहुत सचेत करने के लिए प्रयास किए थे, और जो अनफॉर्चुनेटली उतने सुने नहीं गए। अगर वो सुने जाते तो शायद इंडिया की पॉलिटिकल जो सीन था वो बहुत डिफरेंट होता, क्योंकि जो दूरदर्शिता उन्होंने हर जगह दिखाई थी वो दूरदर्शिता उन्होंने पॉलिटिकल फील्ड में भी दिखाई थी। और अपनी तरफ से तो उन्होंने प्रयास यही किया था कि जो भी पेशवा के को तो जो उन्होंने मल्हारराव होलकर ने अपनी वफादारी का जो एक प्रॉमिस किया था उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। तो एक जैसे ये कहा जा सकता है कि उस समय का जो पॉलिटिकल सीन जो पूरा बहुत ज्यादा टर्बुलेंट, बहुत इम्परमानेंट हो रखा था, उसमें एक जो परमानेंस चल रही थी और एक जो पीस और प्रॉस्पेरिटी हो रही थी वो समहाउ सिर्फ मालवा के क्षेत्र में, इंदौर में के इंदौर रियासत में देवी अहिल्या के जो वो था क्षेत्र था उसमें थी। और कई लोग इस कारण, एक तो यह है कि उनकी पॉलिसीज उसके लिए बहुत बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल थी, लेकिन कई लोग उसको ये कहते हैं कि वो उनका पुण्य जो था वो उस रियासत को बचा रहा था, जो हम सब लोग मानते हैं, जो सुनील जी ने भी बात बोली है। पर जो उनके बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस थे और जो बहुत सारे उनके कॉशनरी नोट्स थे उनको उस तरीके से फॉलो नहीं किया गया जैसा फॉलो किया जाना था, और इसीलिए मोहजी सिंधिया के जाने के बाद जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ पावर सेंटर में, उसके कारण जो बिखराव हुआ इंडिया का, अगर देवी अहिल्या जैसे और मोहजी सिंधिया जैसे कुछ और फिगर्स आगे आ जाते तो शायद हमारा भारत का रूप बहुत ही अलग हमें देखने को मिलता। सुनील जी, अगर आप सुनील कुछ ऐड करना चाहते हैं तो सकते। जी, जी 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 हेलो, हाँ सुनील जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं मैं यही कहना चाहूंगा कि अहिल्या माँ साहब के समय भी समकालीन अंग्रेजों की राजनीति भी वहां आ चुकी थी, लेकिन
माँ साहब हमेशा अपनी प्रजा से यही कहती थी, ये कह के उनको प्रेरित करती थी। उनका एक पुस्तक में बहुत सुंदर वाक्य लिखा हुआ है कि यह अंग्रेज पहले हमें रीछ जैसी गुदगुली करके हमें हंसाएंगे, और हमें हंसाते हंसाते कब ये हमारे प्राण लेकर हमारे राज्य पर कब्जा कर लेंगे, इसका कोई नेम नहीं है। तो इस प्रकार की दूरदृष्टिता मातुश्री अहिल्या देवी में थी। लेकिन अहिल्या देवी, जैसा शर्वाणी जी ने बताया, अहिल्या माँ साहब, महाजी सिंधिया, जैसे इन लोगों के पास में, अब जो पानीपत का युद्ध हुआ, वो पानीपत के युद्ध के हार के भी अपने कई कारण हैं मराठों के साथ में। उसे भी इतिहास में इतना तोड़ मरोड़ कर दिया गया कि उससे भी समकालीन राजनीति बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि श्रेय लेने की लड़ाई में ही मराठों की हार हुई है। जहां तक इतिहास में जो तथ्य दिए गए हैं, वो सारा श्रेय लेने की लड़ाई आपस में फूट होने की वजह से ही यह मराठों की हार पानीपत के युद्ध में हुई। चूंकि मल्हारराव होलकर इतने बड़े योद्धा थे कि वो चाहते थे कि हम गोरिल्ला वार करें अब्दाली से, लेकिन भाऊ साहेब और सदाशिव भाऊ, इन लोगों ने उनकी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मानी कि ये श्रेय चाहते हैं लड़ाई का, इसलिए हम इनकी युक्ति पर नहीं जाते हुए हम डायरेक्ट लड़ाई लड़ेंगे। जबकि अब्दाली की सेना और उसका आपस का सामंजस्य इतना अच्छा था कि आमने सामने के युद्ध में मराठा सैनिक कहीं भी टिक न सके। और दूसरा कारण ये भी रहा कि मराठा सैनिक सेना के साथ में करीब करीब 22,000 महिलाएं थी, जिनका रक्षण अब्दाली की सेना से भी किया जाना बहुत जरूरी था। और मल्हारराव होलकर को सदाशिव भाऊ ने यह आदेश ऐन समय पर दिया था कि मल्हारराव काका, यदि हम युद्ध में पराजित हो गए तो आप हमारी महिलाओं को काट कर नर्मदा में फेंक देना, बजाय अब्दाली के हाथ में जाने के। तो इस तरह की जब ये सारी रणनीतियां अपनाई गई, तो यह राजनीति प्रभावित होना ही थी। और जब मराठा शासन शिथिल हुआ, तो अंग्रेजों ने अपने पेतरे बताकर मराठों को, राजपूतों को, पंजाबियों को, बंगाल में भी सब तरफ अपना आधिपत्य जमाना चालू किया। और मतलब अगर कहा जा सकता है कि मराठा शासन अगर उस समय मजबूत होता, तो आज हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं कहलाते, हम उसी समय से स्वतंत्र आज भी रहते। अंग्रेज हमारे बीच में कहीं हस्तक्षेप अंग्रेजों का हस्तक्षेप हमारे बीच में कहीं भी नहीं हो सकता। जी डॉक्टर साहब, गोस्वामी जी और कुछ जानना चाहेंगे? गोस्वामी जी हैं या जी? है वो, धन्यवाद, उन्होंने धन्यवाद जब भी लिखा है। हाँ भाई, धन्यवाद भाई साहब। जी कुछ अच्छा लगा सुनकर आप सभी को, धन्यवाद बहुत। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी छोड़ देते हैं जो मुझे लगता है कई सारे हमारे ऑडियंस इंदौर से ही हैं, तो आपसे या शर्वाणी जी से या सुमन दी से खुद जी जी मिलके इंदौर इनके से हैं तो वो कभी बारे में। भी हमें हाँ कॉल करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल कभी भी, कोई दिक्कत बिल्कुल, नहीं। आई थिंक किसी ने शायद एक कमेंट भी लिखा था कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे। मेरा ख्याल है कि कुछ कमेंट, जी 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 विजॉय जी एक कमेंट और है, कीपिंग असाइड द फिलेंथ्रोपिक एंड रिलीजियस इनिशिएटिव्स, इमेजिनिंग एंड टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स सोशल जुडिशियल टैक्स रिफॉर्म्स 250 years अगो इटसेल्फ विल हैव टाइमलेस इम्पैक्ट। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं विजॉय जी, मुझे भी यही लगा कि उनकी जो गवर्नेंस का सिस्टम, जो इतना लिबरल व्यू, जैसे सुनील जी आपने मेंशन किया था कि विधवाओं की इनहेरिटेंस के लिए या एडॉप्शन के, मतलब एक नए कानून इस तरह से करने के लिए, तो तक भी था। इतनी दूरदर्शी सोच, इतना लिबरल व्यू पॉइंट रखना उस समय, लिटरली जैसे कहते हैं ना आजकल के बच्चे कहते हैं, माइंड ब्लोइंग है ये बिल्कुल। नहीं, और बहुत मतलब सारे उदाहरण है, मैंने मतलब उसको शॉर्ट में कर दिया। लेकिन आप जी, देखिए, आज जो खसरे की नकल, जिसे हम कहते हैं जमीनों की नपती की, या अपने मकान की नपती की जो खसरे की नकल होती है, जिसे मराठी में 7-12 सा उतारा कहा जाता है, हिंदी में उसे खसरे की नकल कहा जाता है, जो जमीन की नपती का एक कागज होता है। तो ये
मातुश्री अहिल्या की देन है कि उन्होंने उस समय जो 7-12 मतलब 12 कॉलम ऐसे और 7 कॉलम ऐसे आज भी उस कचरे की नकल में है, तो उसके पीछे का कारण ये है कि उस समय ये तो होता नहीं था कि नापने के लिए इंच टेप या कुछ फुट या ऐसा कुछ प्रचलित तो थे नहीं, तो वहां पर बांस के द्वारा नपती की जाती थी। कभी बांस छोटा हो जाता था, कभी बड़ा हो जाता था। तो मातुश्री ने एक खेती की नपती के लिए, जब भाई भाइयों में विवाद होता था या आपस में पड़ोसियों में विवाद होता था, तो खेती की नपती के लिए एक 7-12 का उतारा के नाम से एक नया कानून लागू किया था कि आप हर किसान अपनी खेत की मेड़ के ऊपर 12 फलदार पेड़ लंबाई में लगाए और 7 फलदार पेड़ चौड़ाई में लगाए। ऐसे ही चारों तरफ वो लगाए, आमने सामने 7-7 पेड़ और आमने सामने 12-12 पेड़। तो यह उस किसान के खेत की नपती हो गई, इसके बीच में जो खेत है वो उसकी नपती हो गई। अब इन जब ये पेड़ परिपक्व हो जाएंगे तो यह फलदार पेड़ों की 7 पेड़ों का जो बेचने के बाद में जो रेवेन्यू उसे किसान को मिलेगा उसे सरकारी खजाने में जमा करना पड़ेगा, और 12 पेड़ों का रेवेन्यू जो है वह किसान अपने खुद के पास में रखे। तो यह जब इस तरह से प्रचलित हुई, तो आज भी हम किसी भी शासकीय कार्यालय में खसरे की नकल जाकर आप देखिए कि सीधे पेज के ऊपर 12 कॉलम्स हैं, उस 12 कॉलम्स में अलग अलग जमीन की नपती के आकार लिखे होते हैं, और 7 कॉलम इस बाजू में है, वो सारे 7 कॉलम अलग अलग किस हेड में, कौन सी जमीन किस हेड में, कौन सी फसल क्या है, वो सारे हेड हैं। तो यह चीज आज भी प्रचलित है। बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू। जस्ट थोड़ा समय को माइंड में रखते हुए मैं बाकी सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर और कुछ कमेंट्स या क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या इंदौर में सुमन जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, और शर्वानी जी का और सुनील जी का एड्रेस लेके या फोन नंबर लेके आप उनसे और चर्चा कर सकते हैं। तो बिफोर आई रिक्वेस्ट सुमन दी, आप कुछ अपने फाइनल कंक्लूडिंग वर्ड्स रखें। मैं नरेंद्र जी से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको कुछ क्योंकि आपके लिए ग्रोइंग अप इन कोलकाता शायद ये हिस्ट्री बहुत नई रही हो, तो अगर आप बहुत जल्दी 1 मिनट में कुछ विचार रखना चाहें तो प्लीज फील फ्री। मेरा तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ कहने का है ही नहीं, बिकॉज ये काफी चीजें जो आज मैंने सुनी वो बिल्कुल नई है मेरे लिए। हिस्ट्री में मैंने इस तरह से हिस्ट्री बुक्स में तो कुछ पढ़ा ही नहीं इस बारे में, एंड अलग से मैंने रानी अहिल्याबाई के बारे में कुछ पढ़ा ही की नहीं, सो इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो होल थिंग वॉज न्यू टू मी एंड इट वॉज रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर एनरिचिंग माई नॉलेज। थैंक यू। थैंक यू। तो सुमन दी, आप जैसे कहते हैं ना टू ब्रिंग अस ऑल होम, आप कुछ अपने विचार कहिए। आप इतना पेशेंटली आपने पूरी चर्चा को सुना, हमने शुरुआत आपसे की थी, तो आप अगर कुछ कंक्लूडिंग वर्ड्स, कुछ इंस्पायरिंग वर्ड्स हमारे साथ शेयर करना चाहें तो नीलू जी, प्लीज। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, सबसे पहले तो कि आपने यहाँ पर इंदौर आई, महेश्वर की यात्रा की और माँ अहिल्या की शक्ति को अपने अंदर अनुभव किया, आपने उनसे प्रेरणा ली और उसी प्रेरणा का ये परिणाम आज का वेबिनार। तो ये हमारे जितने भी वक्ता आज इस में सहभागिता निभाई है, उन्होंने हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा की, और वो जिज्ञासा हमको और अधिक जानने के लिए, और अधिक देवी अहिल्याबाई के जीवन को और अधिक चिंतन मनन करने के लिए प्रेरित कर रही है। और निश्चित रूप से हम ये देखते हैं कि कितने सामान्य बालिका से एक महारानी, महारानी से फिर सेविका, प्रजाहितकारिणी की रोल को उन्होंने जो समय समय पे पूरा किया है, वो एक एक युवा के लिए, एक एक बच्चे के लिए, एक एक नारी के लिए, एक एक पुरुष के लिए ये प्रेरणादायी है। तो मैं संक्षिप्त में कहूंगी, आज का वेबिनार जो है हम सब के लिए बहुमूल्य रहा, और इसका सारा श्रेय बेलू जी आपको जाता है, श्री अरविंदो सोसाइटी मुख्यालय को जाता है, और हमारे प्रदीप भाई भी इस वेबिनार में कुछ देर के लिए उपस्थित हुए, मैं उनका भी साधुवाद अभिव्यक्त करती हूँ और उन्हें प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने हमें ये इजाजत दी कि हम इस तरह के वेबिनार नारी शक्ति के ऊपर आयोजित करें।
ताकि कम से कम हमारी युवा बहनें और नारियां इससे प्रेरणा लें और पुरुष समाज के लिए भी एक ऐसा चिंतन मनन के लिए सूत्र छोड़ दें कि नारी दुर्बल नहीं है, नारी स्वयं भगवती का साक्षात स्वरूप है। केवल नारी यदि अपने अंदर विकसित चेतना की शक्ति को जागृत कर ले, अपनी अंतरात्मा को पहचान ले और उस ओर केंद्रित हो जाए, तो वो दिन दूर नहीं है कि पूरी दुनिया देवी अहिल्या जैसी जो दिव्य आत्मा है उनसे पूरी तरह से कहना चाहिए कि पूरा विश्व वैसा ही बन जाए। तो हम ये सोचते हैं कि ये एक माँ का जो संदेश है हम सब नारियों के लिए चिंतन मनन के योग्य है कि हम अपनी आत्मशक्ति को पहचाने, उसको जागृत करें, उसको विकसित करें और भगवान की ओर उन्मुख। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन आपने आप आपने हमें सबका। मौका दिया और हम सभी श्री अरविंद सोसाइटी के सभी प्रबुद्ध जनों ने हमारी बात को बड़े ध्यान से सुना। मैं इंदौर से शर्वाणी जी की ओर से, माधवी जी की ओर से, नेहा पंड्या की ओर से आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुनील जी। बहुत ही सुंदर लगा आपकी प्रस्तुति, शर्वाणी जी की प्रस्तुति, माधवी जी आपकी प्रस्तुति और नेहा जी आपकी इतनी स्वीट वॉइस बहुत अभी भी सुनने में बहुत मतलब कान में है। थैंक यू सो मच। बहुत ही धन्यवाद बेलू। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो उनके देवी अहिल्या बाई के हमारे सामने आए वो बहुत अच्छा लगा कि कोई भी अब मतलब मुझे लग रहा था कि शायद महेश्वरी साड़ी बीच में रह जाएगी पर मुझे बहुत अच्छा लगा सुनील जी ने वो भी मेंशन कर दिया। सो थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात है कि डीप रिसर्च हुआ है इसके ऊपर, बहुत ही अच्छा रिसर्च हुआ है और इम्प्रॉम्प्टू दे आर टॉकिंग, वेरी जी, मेरे नाइस। पिताजी ने रिसर्च करते समय करीब करीब 1,500 होलकर इतिहास की बुक्स को इकट्ठा किया हुआ है, अलग अलग जगह से, अलग अलग, मतलब आप आश्चर्य करेंगी कि ये सारी किताबें उन्होंने इंदौर के जितने बड़े बड़े रद्दी वाले हैं उन लोगों से खरीद कर, क्योंकि आज भी दिखती है उस किताब का मूल्य एक आना लिखा हुआ है या चार आना लिखा हुआ है। लेकिन पिताजी कहते थे कि तू कितने लेगा भाई, तो बोलता गुरुजी मैं 300 रुपए लूंगा। वो कहते तू 300 रुपए ले, मैं तेरे लिए रद्दी है, मेरे लिए सोना है ये। तो इस ढंग से उन्होंने सारा साहित्य एकत्रित किया हुआ है। बस उनके जाने के बाद अब वही साहित्य मैं पढ़ते रहता हूँ और आप जैसे लोग आमंत्रित करते हैं तो उन्हें अपनी बात शेयर करके मुझे भी बहुत अच्छी अनुभूति होती है कि चलो मातुश्री ने इतना जो कार्य किया है उसमें कहीं ना कहीं, जिसे हम मराठी में कहते हैं ना कि खारी सा वाटा, मतलब श्री राम जी के सेतु निर्माण में जो गिलहरी ने काम किया था वह काम हम इंदौर से कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत बस साधुवाद। बस बिलू जी, वही आपको वही जानकर भाव है कि हम सब गिलहरी की तरह छोटा छोटा कंट्रीब्यूट करते हैं जी, अपने बिल्कुल बिल्कुल इतिहास बिल्कुल को जानने में ताकि हम भविष्य की तरफ जी जी प्रेरणा जी जी के साथ चल पाए। हाँ, नहीं तो अगली पीढ़ी को थोड़ी इस बाबत जागरूकता जी मिले, बस यही प्रयास होना चाहिए। जी और सुमन जी जी मैं मैं आपको माफी ये बता दूं। चाहूंगी, हाँ जी कहिए समाधि जी, जी मैं मैं आपसे ये निवेदन कर रही। मैंने हाँ जी, इतना अच्छा प्रिपेयर किया था सॉन्ग और वो ड्यू टू सम टेक्निकल मींस इतना ये नहीं माधवी है आवाज नहीं है, इसलिए थे आवाज नहीं आ अपडेशन रहा। नहीं है इतना अपडेशन नहीं है इसलिए मैं कर नहीं पाई। अभी भी नहीं आ रही आवाज? अभी अब आ आ रही रही है, है। अभी आ रही आवाज है। आ रही है, हाँ अब आ हाँ रही है। तो अगली बार निश्चित रूप से। बिल्कुल ओके कोई बिल्कुल बात नहीं। एक्चुअली मैं अपने शिरोबिंदु सोसाइटी इंदौर के यूट्यूब चैनल पे माधवी जी के बहुत सारे आपके सॉन्ग्स भजन्स और ये सब प्रोग्राम्स हैं, तो जिनको भी और सुनना हो माधवी जी के बहुत ही सुंदर और भी जगह पे आई थिंक औरो म्यूजिक पे भी आपका है अपना हमारा जो आनंदमयी चैतन्यमयी आपकी गाई हुई कुछ एक वेबसाइट्स और पे भी है। बहुत ही सुंदर उनकी प्रस्तुति उनके भजन उनके यूट्यूब चैनल पे है तो वहां पे भी हम उनका आनंद ले सकते हैं। बस मैं ये एक और सुमन दी आपको बता दूं, अभी प्रदीप भाई का अभी अभी फोन भी आ रहा था तो शायद वो अच्छा अभी भी इंटरेस्टेड हैं कि हम क्या चर्चा पे कर रहे हैं। तो अब थोड़ा आधा घंटा ऑलमोस्ट ज्यादा हो गया, 20-25 मिनट, पर जी थैंक यू सो मच।
और सच में हमें इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहने चाहिए, अपने इतिहास से ऐसे ऐसे और उदाहरण लेके जो हमें आगे के कार्य के लिए प्रेरणा करते रहे। धन्यवाद, बिल्कुल, धन्यवाद, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अभिनंदन, थैंक यू, थैंक बहुत बहुत यू धन्यवाद, सभी को साधुवाद। मनीष, थैंक यू।